ये कंपनियां यहाँ से पैसा कमा करके ले जा रही है, अरबों रुपए कमा रही है और उस पर CSR का भी करोड़ों रुपए बनता है। किसी को पता नहीं कहीं पैसा यहाँ भी खर्च किया है तो वो पब्लिक के काम आने वाली चीज़ पे नहीं खर्च किया, फालतू कहीं खर्च किया उसका कोई मतलब नहीं। उस समय मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये बात रखी थी, सड़कों के ऊपर इन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया। तो इस तरह से हमारे को नुकसान ही नुकसान हुआ। कंपनी के लोग तो बात ही नहीं करते, जानकारी किससे लें। कंपनी के जो अधिकारी वगैरह उनके कोई हमारे पास टेलीफोन नंबर नहीं, कौन सी कंपनियां काम कर रही ये भी पता नहीं, कौन सी कंपनी में कौन अधिकारी किससे बात करें। इस पत्र अखबारों में ही पढ़ा है और भी दूसरी मीडिया है उनमें ये चर्चा है कि अगर उन्होंने भेजा है, भेजा होगा, अभी मेरे पास पहुँचा नहीं। जब मेरे पास पहुँच जाएगा उसके बाद देखेंगे स्थिति। राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी पिछले 3 दिन से केन वेदांता ग्रुप के खिलाफ धरने पर बैठे थे। लगातार 3 दिन तक वहीं डटे रहे और ख़ास तौर से उन मांगों को लेकर, अस्पताल से लेकर रोजगार की मांग को लेकर, जिसको लेकर हेमाराम चौधरी ने पहले भी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ वार्ता की थी और कहा था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए। और यहाँ तक कि ये मुद्दा विधानसभा में भी बार बार उठाया कि कंपनी का CSR का फंड कहाँ खर्च होता है, इसके बारे में विधायक तक को जानकारी नहीं है तो वहाँ की विधानसभा के लोगों को कैसे होगी। और इसी को लेकर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने धरना दिया और जिस तरीके से कंपनी लाखों करोड़ों रुपये कमा रही है उसका कुछ हिस्सा वहाँ के लोगों के लिए विकास में खर्च हो रहा है या नहीं, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो जानते हैं। सर, कंपनी को आए को तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया। जब आई थी तब लोगों के लिए ये सोचा था कि बहुत विकास होगा, ये कुछ होगा। हकीकत में वहाँ पर किसानों की क्या स्थिति है, पर्यावरण की क्या स्थिति है, किस तरीके के हालात हैं? ये कंपनी आई तो हमें एक ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो आय होगी उसमें से कुछ पैसा हमारे विकास पर भी लगेगा। लेकिन दोनों मामलों में हमें निराशा हाथ लगी। ये कंपनियां यहाँ से पैसा कमा करके ले जा रही है, अरबों रुपए कमा रही है और उस पर CSR का भी करोड़ों रुपए बनता है, उसका आज दिन तक पता नहीं दिया, हिसाब नहीं है। अभी भी मैंने पूछा तो वो कोई हिसाब नहीं दे पाई, मतलब कितना उनका CSR का पैसा बना, फंड है उनके पास, कितना कहाँ खर्च किया, वो हिसाब किताब तो वो नहीं दे पाई। पर हमारी जो मांगे थी उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो हमने फिलहाल ये बात सोचते हुए कि भी हमने जो पक्ष रखा उन्होंने माना तो ये एक काम तो हुआ। रोज़गार की दृष्टि से भी ये पिछली बार धरना हुआ था उस समय आश्वासन दिया था, उस पर भी खरे नहीं उतरे। और CSR के मामले में कहीं कोई मतलब किसी को पता नहीं कहीं पैसा यहाँ भी खर्च किया है तो वो पब्लिक के काम आने वाली चीज़ पर नहीं खर्च किया, फालतू कहीं खर्च किया उसका कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं पब्लिक को ज़रा भी। तो इस बात को लेकर के हमारे को ये धरना देना पड़ा। रोज़गार की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन था, उस समय मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये बात रखी थी, सब आप लोगों को भी पता है उस समय, कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार देना चाहिए। उस बात को भी बहुत समय हो गया लेकिन उसके बावजूद भी कोई स्थानीय लोगों को रोज़गार देने के बारे में प्रगति नहीं हुई, तो इसलिए लोगों में बड़ा भारी असंतोष था गुडामालानी की जनता में। और गुडामालानी की जनता इनसे बहुत परेशान थी, त्रस्त थी, क्योंकि इन्होंने हमारी जो सरकार ने जनता के लिए सड़कें बनाई वो सारी सड़कें ही तोड़ दी। इनके वाहन ही ऐसे हैं, बड़े वजनी हैं, जो रिगे हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, सड़क से ऊपर से गुजरती है, वो सारी सड़क तहस नहस। सड़कों के ऊपर इन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, तो इस तरह से हमारे को नुकसान ही नुकसान हुआ। इस कंपनी के आने से हमारे को कोई जब किसी प्रकार का फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान हो, तो आखिर हम भी कब तक कहाँ तक ये गुडामालानी की जनता सहन करे। इसलिए ये हमारे को धरना देना पड़ा। अभी उन्होंने कहा है उस पर वो खड़े रहेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे, तो हमें आगे दोबारा फिर से धरना देने की नौबत नहीं आएगी। और अगर हमारा उसमें अगर कोई की कमी रखी और इस बात को पूरी तरह से अक्सर नहीं पालन किया या नहीं माने, तो हम दोबारा भी धरना देने में कोई कमी नहीं रखें।
अच्छा सर, आपने विधानसभा में भी ये बात उठाई थी कि जो CSR का फंड होता है, कंपनियां जो काम कर रही है, तो सर एक्चुअल में होता क्या है कि ये पैसा कहाँ खर्च होता है, इसके बारे में क्या कंपनी ने, आपने कभी कंपनी के लोगों से बातचीत की होगी, वो कोई जानकारी दे पाते हैं? कंपनी के लोग तो बात ही नहीं करते, जानकारी किससे लें? कंपनी के जो अधिकारी वगैरह, उनके कोई हमारे पास टेलीफोन नंबर नहीं, कौन सी कंपनियाँ काम कर रही ये भी पता नहीं, कौन सी कंपनी में कौन अधिकारी किससे बात करें वो भी पता नहीं। ये सारी बातें कल उनको कही थी, तब उन्होंने अब कहा है हम आपको हमारे यहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ काम कर रही उन कंपनियों की लिस्ट देंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव का नाम और उसके टेलीफोन नंबर वगैरह सब देंगे, ताकि आप उनसे बात कर सकें कम से कम, नहीं तो बात भी किससे करें। ये यहाँ पर इस तरह की स्थिति हो गई है, तो ये बात भी हमने कंपनी के सामने रखी है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये अधिकारी है वो जनता की गुड़मालानी की बात सुनेंगे। सर, आपके इस्तीफे को लेकर कल बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आपको नोटिस दिया गया है लॉकडाउन के बाद में 7 दिन में आने, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ ये मीडिया के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली है, इस पत्र अखबारों में ही पढ़ा है, और भी दूसरी मीडिया है उनमें ये चर्चा है कि उन्होंने भेजा है, भेजा होगा, अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है, जब मेरे पास पहुंच जाएगा उसके बाद में देखेंगे इस्तीफे के बारे में जो भी फैसला करना है। ये हेमाराम चौधरी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि कंपनी के अधिकारी जो CSR का फंड होता है वो कहाँ खर्च होते हैं, विधायक तक को जवाब नहीं देते तो जनता को क्या जवाब देते हैं, इसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया गया और जो मांगे मानी हैं अगर उसे समय पर पूरा नहीं किया गया तो फिर से इस तरीके के लिए कंपनी विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।